नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया डोंबिवली से। आज हम लोग एक खास दवाई के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है वाटर वायलेट। ये खास दवाई है खास लोगों के लिए। खास लोग मतलब कौन से लोग? ये जो वाटर वायलेट है, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, होशियार, हर तरह का नॉलेज इनके पास में रहता है। वो खुद सोच सकते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी की उनको जरूरत नहीं रहती है। दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, थोड़े घमंडी हो जाते हैं, प्राउड आ जाता है उनमें कि आई एम समथिंग डिफरेंट, और वो और लोगों से अलग रहने लगते हैं। वो वैसे बताते नहीं कि घमंडी है करके, उनके मन में ये विचार रहता है कि मैं और लोगों से अलग हूं, तो मुझे और लोगों में मिक्स नहीं होना चाहिए। वो उनको टाइम पास लगता है वो कि और लोगों के साथ बैठना उठना ये करना, मतलब मेरे जैसा इतना होशियार आदमी और ये टाइम पास कर रहा है, बैठ के गप्पे मार रहा है, ये बात उनको हजम नहीं होती है, तो इसलिए वो अलग ही रहते हैं। अपना ओपिनियन वो किसी के ऊपर लादने की कोशिश नहीं करते और न ही किसी का सुन के लेते हैं वो, क्योंकि उनको तो सब मालूम है। वो बोल देते, वो स्टबन रहते, मतलब एकदम अड़ियल टाइप रहते है कि हाँ मुझे मालूम है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करना, और न किसी का सुन के लेंगे न किसी को फोर्स करेंगे उनकी बात सुनने के लिए। और लोगों से जितना काम है मिनिमम उतना ही बात करेंगे, और बाकी टाइम वो अपने मस्ती में जीते हैं। तो इसमें बहुत सारे साधु लोग आते हैं कि जो हिमालय में जाके बस जाते हैं, अकेले ही रहते हैं, किसी की जरूरत नहीं उनको, वो उनकी तपस्या और बस मस्त मजे में रहते हैं। कुछ साइंटिस्ट रहते हैं, वो भी ऐसे ही खुद की दुनिया में ही रहते हैं। और ये तो बहुत बड़े बड़े नाम ले लिए, कुछ ऐसे भी लोग हमें हर सोसाइटी में मिलते हैं कि वो हम लोग उनके सामने से जाएंगे तो भी वो पहचान वाला स्माइल कभी नहीं देंगे। वो अपनी मस्ती में ही जीते, अपना नीचे आएंगे, काम कर लेंगे, रूम में जाएंगे, बंद कर लेंगे, किसी को आने नहीं देंगे, न किसी के घर पे जाएंगे। तो ऐसे लोग बीमार ही क्यों पड़ते हैं ना, इनको जरूरत क्यों है? बराबर, अकेले ही रहना है, खुश है तो बीमार नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कहीं से तो उनका डिस्टरबेंस आ जाता है। मैं एक केस भी बताऊंगा आपको, कुछ डिस्टरबेंस आ जाते हैं, उससे वो फाइट नहीं कर सकते, न किसी को बता सकते। अंदर के अंदर वो उनके दिमाग में वो विचार चालू रहते हैं, और धीरे धीरे उनको फिर उसकी वजह से फिजिक मतलब बॉडी के ऊपर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि सर दर्द है, नींद नहीं आना है, एसिडिटी है, और जॉइंट पेन भी हो सकता है, कभी स्किन की प्रॉब्लम्स है, लाइक दिस। अभी एक केस बताता हूँ मैं आपको। एक रिटायर्ड प्रोफेसर मेरे पास आया और सोसाइटी में रहता था वो, कोई किसी के साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं था। लोगों को मालूम था कि इधर कोई तो रहता है, किसी को किसी भी दूसरे आदमी को उसके बारे में ज्यादा कोई मालूमात नहीं थी, मतलब पता ही नहीं, ये आदमी अंदर के अंदर बंद करके बैठता है, कभी तो बाहर निकलता है, या कोई तो कोई सामान देने को आता है, फट से सामान लेके दरवाजा बंद कर लेता है, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं।
उसका सब कुछ बराबर चालू था। सडनली क्या हुआ, उसके नेबर में एक जो नेबर था उसने कुत्ता लाया, डॉगी, और वो डॉगी दिन भर भौंक 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 करता था। तो ये बंदा डिस्टर्ब हो गया उससे, वो कंटिन्यू आवाज से इसकी नींद खराब हो गई। अंदर के अंदर ये घुटने लगा कि अरे यार अब ये इसको कैसे, क्या करे, क्या करूं मैं। अब वो जाके बात भी तो नहीं कर सकता है क्योंकि उसके स्वभाव में नहीं है बात करना, अभी अंदर के अंदर सफर ही करता रहा वो। उसके जैसे उसको एसिडिटी हो गई, वापस उसको सर दर्द हो गया, उसकी नींद उड़ गई, ये सब प्रॉब्लम लेके वो बड़ी मुश्किल से आया। तो उसका बाकी इंटरव्यू में ये सब चीजें समझी कि वो अकेला रहता है। उसके बाद में उसको वाटर वायलेट अलूफनेस के लिए, अकेले रहने के लिए, और जो एनोयंस हो रहा था उसके दिमाग में, जो चिड़चिड़ हो रही थी, उसके लिए इम्पेशंस, ये दो दवाई का मिक्सचर 2 महीना देने के बाद में वो ठीक भी हो गया। तो ये था वाटर वायलेट के बारे में। तो ये है खास दवाई खास लोगों के लिए। थैंक यू।